ठाकरे जी ने कल धारावी में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि वो आदित्य को ग्रूम करेंगे और आने वाले 2.5 साल के बाद वो केंद्र में चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे आदित्य को। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तब उनको ये बड़ा सपना था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और मोदी जी की जगह पर जाऊंगा। उनको तो ये भी सपना था कि मैं पहले गृहमंत्री बनूंगा, ये उनका बहुत बड़ा एक, इसलिए तो उनका काट दिया ना और डिप्यूटी सीएम बना दिया। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं अब मेरा कद अब इतना बड़ा है कि मैं योगी जी को भी पीछे हटाकर या मोदी जी को भी पीछे हटाकर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये उनके दिमाग में चल रहा था। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो कहा है ये सच है, उद्धव ठाकरे कभी झूठ नहीं बोलते। हमारी राजनीति झूठ के ऊपर टिकी हुई नहीं है। सर, सलीम जावेद की स्क्रिप्ट रोजाना लेकर कुछ नेता आ जाते हैं, ऐसा ट्वीट किए हैं देवेंद्र फडणवीस और कह रहे हैं सही समय पर इसका जवाब देंगे, मकुल जवाब देंगे। ये मकुल बिल्कुल छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया वो सही है। उद्धव ठाकरे ने कहा ये सही है, देवेंद्र जी को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पद का बहुत बड़ा सपना उस वक्त आ रहा था, लेकिन मोदी जी और शाह जी ने उनके पैर काट दिए और महाराष्ट्र में डिप्यूटी सीएम बना दिया है। उसका एक वजह ये भी है कि तो दिल्ली आकर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर आने का उनका जो एक ख्वाब था वो मोदी और शाह जी ने ख़त्म कर दिया है।